नमस्कार साथियों, आज के संगीतमय लॉटरी में आप सबका स्वागत है। साथियों, संगीत किसी भी वक्त को, किसी भी हालात को कितना बदल देता है। जरा कुछ पल आंखें मूंद कर कल्पना कीजिए कि शाम ढल रही है, आप एकांत में हैं और कहीं दूर से आपके कानों तक पहुंचती है ये आवाज। ये आवाज एक दुर्लभ साज की है जिसे बजाने वाले आज बहुत कम कलाकार रह गए हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे ही एक कलाकार हमारे आज के मेहमान हैं। आइए स्वागत कीजिए पंडित नयन घोष जी का। नयन जी, ये हम में से ज्यादातर लोगों को ये साज सितार लग रहा है, आप बताइए क्या है ये? इसको सुरबहार कहते हैं और ये सितार से भी साइज में, चौड़ाई लंबाई में बहुत बड़ा है, हेवियर भी है, दिख रहा है काफी है। और इस पे सीरियस क्लासिकल म्यूजिक बजाया जाता है, ध्रुपद अंक जिसको कहते हैं, अलाप जोड़ झाला जी। इसके साथ तबला संगत नहीं किया जाता है और इसमें काफी स्लो पेस्ट रागास जो है वो बजाए जाते हैं। अच्छा, तो इसमें और सितार में क्या फर्क हुआ? एक तो टोन जो है, सितार का टोन बहुत मैग्नेटिक है, अपीलिंग है, और सितार का पिच जो कहते हैं यानी वो हायर पिच है, देयरफॉर इट इज मोर अट्रैक्टिव। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नयन जी एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जो सितार और तबला दोनों साजों को बड़ी कुशलता से बजाते हैं और उन्होंने इसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि इन दोनों साजों को हमको बजाकर सुनाएं।
वाह वाह वाह, बहुत खूब। साथियों, मुझे विश्वास है कि ऐसी अनोखी जुगलबंदी आप लोगों ने आज तक नहीं देखी होगी। सितार पर भी नयन जी और तबले पर भी नयन जी, आप दोनों को हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लेजर।